नमो नमः। आज मेरा जो प्रवचन था उसमें एक मित्र ने मुझे पूछा कि गुरुजी रक्षाबंधन के बारे में आप बताइए। तो मैंने बोला, अरे भाई आप रक्षाबंधन के बारे में जानते हो ना? तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ऐसा है कि एक बहन है, वो भाई को रक्षा बांधती है, और वो एक ऐसा है कि भाई वो जो है वो बहन की रक्षा करेगा। ये तो एक जनरल मीनिंग वो हो गया, मगर आप एक विशेष आध्यात्मिक दृष्टि से वो रक्षाबंधन का हमको महत्व या कोई भी जो है उसके बारे में समझाइए। तो फिर मुझे भी आनंद आया कि चलो मैं आपको रक्षाबंधन के बारे में बताता हूँ। तो अभी आपको एक के बाद एक बात को सुनिए। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है आपका जीवन में बदलाव हो, परिवर्तन हो। यदि आप पहले स्टेज पे है तो सेकंड स्टेज पे आ जाओ, इफ यू आर एट द सेकंड स्टेज तो थर्ड स्टेज पे आ जाओ, तो आपका जीवन में प्रगति हो। प्रगति का जो एरिया है वो है हेल्थ, आपका हेल्थ इंप्रूव हो। फिर है वेल्थ, आपके जीवन में धन की उपलब्धि, धन पर्याप्त मात्रा में हो। फिर सुख, आप सुखी हो जाओ। आपका जो संबंध है, जो भी आपके जो सगे संबंधी है उसके साथ आपका अच्छा प्रेम भाव रहे, वो मेरा उद्देश्य है। तो अभी आप एकदम ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक कर दीजिए भाई। तो हम आगे चलते हैं। रक्षाबंधन, अभी देखो जैसे ही हम लोग रक्षाबंधन की बात जैसे ही सोचते हैं तो अपने महाभारत की बात याद आती है। तो महाभारत में ऐसे एक प्रसंग है जो कुंता माता रहती है, वो अभिमन्यु को रक्षा बांधती है। तो वो उसमें ऐसा जो मैं बोलता हूँ कि कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे। अभी जैसे वो रक्षा का मतलब क्या हो गया कि कुंता माता ने अभिमन्यु को रक्षा बांधी, उसका मतलब कि वो जो रक्षण होगा, युद्ध में रक्षण होगा। तो रक्षण का मतलब क्या है? तो एक विश्वास होता है। क्या एक धागा रहता है किसी की रक्षा कर सकता है? मगर जो विश्वास होता है, तो मैं विश्वास जो है उसके बारे में भी आपसे बताता हूँ कि विश्वास जो है तो उसी को श्रद्धा भी बोलते हैं। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके पास श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलता है। तो इसलिए आपको एक मालूम पड़ गया कि जो रक्षाबंधन है वो श्रद्धा का विषय है, उसमें लॉजिक मत दौड़ाइए। तो अभी श्रद्धा, अभी अंग्रेजी में उसे फेथ बोलते हैं। तो फेथ का मतलब क्या है मैं आपसे बताता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी चमत्कार होता है क्या? मैंने बोला देखो, विश्वास है वही चमत्कार है। तो मैं आपसे एक सूत्र बताता हूँ। व्हेन योर सेंसेस आर नॉट रेडी टू बिलीव, योर एंड योर कॉन्शियसनेस डिनाई टू बिलीव, इवन दो यू बिलीव, मिरेकल्स विल हैपन। तो आज से आप एक रक्षा बांध दीजिए। प्रभु जो है वो सर्व का रक्षणहार है। तभी मेरे साथ ऐसे बोलिए कि माय चाइल्ड, बोलिए माय चाइल्ड आई एम ऑलवेज विथ यू। प्रभु आपसे बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ। ऐसे तो भगवत गीता का एक श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। ये सृष्टि मैंने बनाई है और मैं उसका पालन पोषण करता हूँ। तो प्रभु तो सर्व का रक्षणहार है, पर हमको भी ये जो बात है, तो मेरे साथ जो आप बोले तो उसके बारे में आपको 21 दिन तक 5 मिनट के लिए शरीर को शिथिल करना है और मन ही मन रिपीट करना है कि प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है, प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है, प्रभु का रक्षण मुझे हमेशा मिल रहा है। ऐसा जो थॉट प्रोसेस करेंगे, अभी आपको मालूम है आपके दो मन है, मनः द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम अशुद्धमेव च, दो मन है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में यदि ये चीज बैठ जाएगी, इफ यू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड दैट गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ मी, प्रभु मेरी रक्षा कर रहे, तो अवश्य आपकी रक्षा होगी। तो अभी दूसरी जो बात है, तो इसमें क्या होता है कि ये रक्षाबंधन का महत्व जो है वो भाई और बहन का पवित्र रिश्ते का है। तो इसलिए क्या है कि उसमें पवित्रता भी है। तो अभी मैं पवित्रता क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि इस संसार में जो समर्थ है वो किसकी रक्षा करेगा, जो असमर्थ है उसी रक्षा करेगा। तो ये जो रक्षाबंधन है वो धर्म का भी ऐसा जो पवित्र अवसर है, तो वो आपको धर्म सिखाता है। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेंगे।
तो मैंने जो पहली बात बताई, तो जिसे महाभारत की बात बताई, उसमें कुंता माता है, वो अभिमन्यु को वो रक्षा बांधती है। उसका मतलब अभी ये मत समझो कि बहन है वो भाई को ही रक्षा बांधती है, जो माता है वो पुत्र की भी रक्षा करती है। यदि आपने रक्षा पोटली ऐसा नाम सुना है, तो गुरु लोग जो है वो शिष्य को रक्षा पोटली बांधते हैं। उसका मतलब क्या है कि जो गुरु है वो गुरु कौन है, ये संसार को चलाने वाली जो शक्ति है उसी को हम गुरु बोलते हैं। तो ये जो गुरुत्व है वो शिष्यत्व की रक्षा करता है। तो जब रक्षाबंधन होती है, तो आप ऐसे अपने जो गुरु है उसी को मन में धारण कीजिए। यू विजुअलाइजेशन योर इमेज ऑफ योर गुरु, और वो गुरु आपके सिर पर हाथ रख के बोल रहे कि बेटा मैं तेरी रक्षा हमेशा करूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो ऐसे यदि आपने श्रद्धा से ये काम किया, तो ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसका आध्यात्मिक अर्थ आपको समझ में आ गया। जैसे मैंने बोला, सबको मजा आया, आपको भी मजा आया, आपको आनंद आ गया, क्योंकि ऐसी बात सुनने से अंदर का जो मन है वो प्रसन्न होता है। मेरी जो चैनल है चिदाकाश ध्यान, उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, और आपके जीवन में मैं बदलाव लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक का जीवन बदले। प्रभु ने मुझे जो ज्ञान दिया है वो किसके लिए है, आपके लिए है। तो ये ज्ञान है वही जीवन को बदलता है। देखो शास्त्र में बताता है कि ये जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो ये ज्ञान रूपी जो प्रकाश है वो आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा, ये जो ज्ञान है वो आपको अंधेरे से उजाले में ले जाएगा, और ज्ञान रूपी अमृत आपको अमरता की ओर ले जाएगा। तो ऐसे मैंने जो बताया, मेरा एक मोटिव है कि अपनी भारतीय संस्कृति को हम आगे बढ़ाए, अपने जो मूल्य है भारतीय मूल्यों को हम आगे बढ़ाए। तो ऐसी बात करके मेरी बात को मैं समाप्त करता हूँ। अस्तु, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, ऐसे जैसे मैं बोलता हूँ, तो ऐसे आसपास कोई नहीं है तो जोश से बोलिए, चिल्ला के बोलिए, ऐसे आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। अस्तु, कल्याणमस्तु, आपका कल्याण हो।